बातम्यांशी अपडेट राहण्याकरिता आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नागपूर शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे। शहरातील रुग्णांची संख्या वाढीसाठी काही हॉटस्पॉट कारणीभूत ठरले आहेत। शहरातून कोरोना हद्दपार करण्यासाठी आता मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या संकल्पनेतून मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आलेला आहे। या मास्टर प्लॅननुसार हॉटस्पॉटमधील कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांना क्वारंटाईन करण्यात येत आहे आणि सर्वांची कोरोना स्वॅब घेतले जात आहे। मनपा आयुक्तांच्या या मास्टर प्लॅननुसार कोरोनाचे हॉटस्पॉट ठरलेल्या सतरंजीपुरा भागात कार्य सुरू झाले आहे। आतापर्यंत सतरंजीपुरा भागातील 1700 पेक्षा जास्त जणांना क्वारंटाईन करून मनपाच्या कोविड केअर सेंटरमध्ये आणण्यात आले आहे। नागपूर शहर में सतरंजीपुरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, सेकंड हॉटस्पॉट हमारा मोमिनपुरा है। वहाँ से कोरोना मुक्त कोरोना जीरो केसेस करने के लिए एक मास्टर प्लान हमने जो बनाया है सतरंजीपुरा में, वहाँ के पूरे हॉटस्पॉट के नज़दीक के ऑलमोस्ट 280 हाउस होल्ड्स में और जो कॉन्टैक्ट में आए हैं वहाँ हॉटस्पॉट के बाहर के भी, ऐसे लगभग अभी तक 1700 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया है। 1400 तो ऑलमोस्ट वही 280 घरों के आसपास के हैं, उनका टेस्ट हो रहा है, स्वैब लिया जा रहा है, वो टेस्टिंग करके फिर से 14 दिन उनका टेस्टिंग होगा और नेगेटिव होने के बाद उनको घर में छोड़ा जाएगा। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। ये करना इसलिए जरूरी है कि ट्रांसमिशन हमें रोकना है, जो चेन है कोरोना वायरस की उसको ब्रेक करना है, इसके लिए उनको आइसोलेट किया गया है क्वारंटाइन या कोविड केयर सेंटर्स में और उनके पूरा उनको जो इंतजाम तय किए गए हैं और उसके साथ ही उनका स्वैब लेके टेस्टिंग किया जा रहा है। वैसे ही दूसरा हॉटस्पॉट जो है हमारा मोमिनपुरा है, जो सेकंड डेथ सिटी में हुई है तो वहाँ की है, तो वहाँ का जो कनेक्शन है वो दिल्ली रिटर्न गए थे, जो डेथ हुई उनका जो लड़का है वो उनके कॉन्टैक्ट में आया था, तो वहाँ के भी अभी तक जो पॉजिटिव केसेस आए तो वहाँ का कुछ एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो हॉटस्पॉट है वहीं के भी पूरे जो नागरिक है उनको क्वारंटाइन किया जाए कोरोना कोविड सेंटर में, उनका पूरा टेस्टिंग किया जाएगा। ये सब का ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक आदमी को हॉटस्पॉट का कोरोना के लिए टेस्ट किया जाएगा, नेगेटिव आने के बाद वहाँ उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा 14 डे फिर उनकी टेस्ट की जाएगी और जब नेगेटिव आएंगे 14 डे पे तो उनको घर भेजा जाएगा। जो पॉजिटिव आएंगे उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी जाएगी और आगे की जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करके मेडिकल क्लिनिकल केयर उनकी ली जाएगी। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें नागपुर से कोरोना हटाना है तो वो पूरे जो हॉटस्पॉट है उनका स्क्रीनिंग करना, उनका आइसोलेशन करना, मिक्सिंग न होने देना और इसी हिसाब से कोरोना की चेन ब्रेक करना, ये मोड पे हम चल रहे हैं। इसीलिए जो मास्टर प्लान है बनाया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन होते ही हम कोरोना जीरो शहर को कर सकते हैं।